हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैंने आधा किलो दम आलू लिए हैं। आज हम दम आलू से एक बहुत ही बढ़िया चटपटी रेसिपी बनाएंगे। अब हमें आलूओं का छिलका उतारना है, तो इस तरह से हम चाकू की हेल्प से आलू की जो पतली सी स्किन होती है उसे निकाल देंगे। तो आलू का छिलका उतार लिया है मैंने और इसे हम एक बाउल में रखेंगे। पूरे आलूओं का हम छिलका उतार लेते हैं। तो सारे आलूओं की मैंने पतली सी जो स्किन होती है उसे उतार दी है। अब इन्हें हम पानी डालकर वॉश कर लेते हैं। आलू का पानी निकाल देंगे। तो मैंने आलूओं का पानी निकाल दिया है। अब इन्हें हम साफ कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि इनका जो पानी है वो सूख जाए। तो सारे आलूओं को मैंने साफ कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और इसे हल्का सा गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। तो तेल भी हल्का सा गर्म हो गया है। अब हमने जो आलूओं को छील कर रखा था उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। आलू और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। तो मैंने आलू और नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। ढक्कन हटाएंगे, इसे चला देंगे। हल्के हल्के से आलू पकने लगे हैं। इसे बनाने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आलू तो बच्चों के फेवरेट होते ही हैं, तो एक बार उन्हें इस तरह से जरूर बनाकर खिलाएं। अब फिर से इन्हें कवर कर देंगे। तो देखिए, आलू सिक चुके हैं और आलू पक भी चुके हैं। तरह से हमने आलू को चेक करा है, तो ये आलू पक चुके हैं। अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा वन पाउडर। तो सूखे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दम आलू की गर्मा गर्म चटपटी रेसिपी बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और आलूओं को सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। तो बढ़िया सी चटपटी दम आलू की ये रेसिपी बनकर तैयार है। इसे आप एक बार बनाएं और गर्मा गर्म सर्व करें, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।